दोस्तों, दुनिया का हर व्यक्ति सफलता पाना चाहता है, पर सफलता हर किसी को नहीं मिलती। अगर आप अपने जीवन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो अपनी सोच को बड़ा रखें, क्योंकि जब सोच बड़ी होती है तो सपने भी बड़े होंगे और आपके हौसले भी बड़े होंगे। हम में से ज़्यादातर लोग जब बड़े सपने, बड़े सोच की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में कुछ सवाल आते हैं, और जो सवाल सबसे पहले आता है वह है कि बड़ी सोच क्यों ज़रूरी है, इसका फ़ायदा क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, आपको याद होगा बचपन में एक ड्राइंग का सब्जेक्ट होता था जिसमें कोई चित्र बनाना होता था और हमें उसके अंदर कलर भरना पड़ता था। अगर कलर लाइन से बाहर निकल जाता था तो मार्क्स भी कटते थे और डांट भी पड़ती थी। हमने अपने जीवन को भी कुछ वैसे ही बना लिया है। हमने अपने चारों ओर एक छोटी सोच की बाउंड्री बना ली है और हम उस लाइन से बाहर निकलने से डरते हैं। हमने उसी बाउंड्री को अपनी ज़िंदगी मान लिया है। वैसे अगर कोई व्यक्ति बड़ा सोचता है, बड़े सपने देखता है और अपनी बाउंड्री को तोड़कर रिस्क लेकर कुछ बड़ा करता है तो हम उसे देखकर बड़े खुश होते हैं। वाह, क्या बात है, बंदा आज कहां से कहां पहुंच गया। लेकिन खुद कभी अपने दायरे से बाहर नहीं निकल पाते। दोस्तों, हमने खुद को सीमित बना लिया है। उस दायरे को तोड़ना है तो बड़ी सोच रखनी होगी, बड़े सपने देखने होंगे। दोस्तों, मैं बताता हूं आपको कि बड़ा सोच का फायदा क्या है। हमारा दिमाग हमारे सोच के हिसाब से ही काम करता है। कहने का मतलब है कि आपका जो दिमाग है वो आपकी सोच के हिसाब से ही आपको सलूशन बताता है। मान लीजिए आपको नदी पार करनी है तो आपके दिमाग में उसे पार करने के लिए क्या सलूशन आएगा? नाव। चलिए अब सोचिए कि आपको समुद्र पार करना है तो आपके मन में क्या क्या ख्याल आएगा? पानी का जहाज यानी शिप। मतलब जैसी आपकी सोच होती है वैसे ही आपका दिमाग आपको सलूशन देता है। तो बड़ी सोच का सबसे बड़ा फायदा यही है कि जब आप बड़ा सोचते हैं, बड़े सपने देखते हैं तो आपको बड़े बड़े सॉल्यूशन मिलने शुरू हो जाते हैं। बड़ी सोच का दूसरा फायदा ये भी होता है कि मान लीजिए आपने सोचा मुझे दुनिया का सबसे बड़ा इंजीनियर बनना है और आप अपने लक्ष्य पे फोकस करते हैं, लगन और मेहनत से प्रयास करते हैं, तो अगर आप दुनिया के सबसे बड़े इंजीनियर नहीं बन पाए तो कम से कम एशिया के ही सबसे बड़े इंजीनियर तो बन ही जाएंगे। अगर एशिया के भी नहीं बन पाए तो इंडिया के ही सबसे बड़े इंजीनियर तो जरूर बन जाएंगे। लेकिन अगर आपने सोचा कि मुझे तो बस छोटा मोटा इंजीनियर बनना है तो आप अपने जिले या अपने शहर के तो क्या, अपनी कॉलोनी के भी बड़े इंजीनियर नहीं बन पाएंगे, हमेशा एक छोटे मोटे ही बने रह जाएंगे। जब हम बड़े सपने देखते हैं, कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तो हमारे दिमाग में दूसरा ख्याल आता है कि मेरे बस की बात नहीं, मुझसे नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इस दुनिया में हर इंसान जो आज सक्सेसफुल है उसने भी कभी बहुत छोटे से ही शुरुआत की थी। हर बड़े काम की शुरुआत छोटे से ही होती है। बिल गेट्स ने अपने घर के पीछे वाले कमरे से बिजनेस शुरू किया था और आज उनकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है। हमारे पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम बचपन में रोज सुबह अखबार बांटने जाया करते थे और बाद में दुनिया के इतने बड़े और महान वैज्ञानिक बने। इन लोगों की शुरुआत भले ही छोटी थी लेकिन सोच हमेशा बड़ी थी। जब हम कुछ बड़ा सोचते हैं तो हमारे दिमाग में एक और ख्याल आता है कि यार लोग क्या कहेंगे। दुनिया में हजारों लाखों सपनों का खून अगर किसी ने किया तो सिर्फ इस एक सोच ने किया है। खासकर हिंदुस्तान में यह सबसे बड़ा रोग है कि क्या कहेंगे लोग। हमारे आसपास के माहौल में ऐसे लोग भरे पड़े हैं जो कुछ भी बोलेंगे। वो बोलेंगे, अबे तेरे बस की बात नहीं है, शक्ल देखी है अपनी, भाई इतना आसान नहीं है। यार लोगों का क्या है, इन लोगों ने तो माता सीता और भगवान श्री राम को भी नहीं छोड़ा, तो हम तो इंसान हैं। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ कि आपको इन लोगों पर ज़्यादा विश्वास है या खुद पर? आप खुद को बेहतर जानते हैं या ये लोग आपको बेहतर जानते हैं? आप अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से शान से जीना चाहते हैं या इनकी तरह नाकामयाब या घुट घुट के? ये ज़िंदगी आपकी है, लाइफ दोबारा बार बार चांस नहीं देती है। ये कोई रिहर्सल नहीं चल रही है, ये असल ज़िंदगी है। जो समय आपने गंवा दिया वो चला गया, वो वापस नहीं आएगा। जब आपके अंदर पूरी क्षमता है, काबिलियत है, तो आप खुद को इन लोगों की वजह से पीछे क्यों रख रहे हैं? दोस्तों, ज़रा याद करो, आज से करीब 10-20 साल पहले जब हम छोटे थे तब भी हमारे कुछ बड़े सपने थे, लेकिन आज वो सपने कहीं दब कर रह गए। अगर अब भी हमने कदम नहीं बढ़ाया तो 20 साल बाद अपने आप को सिर्फ कोस रहे होंगे कि काश एक कोशिश की होती तो शायद जिंदगी आज कुछ और होती। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ नीचे सब्सक्राइब का लाल बटन है उस पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको इस चैनल की आने वाली सभी वीडियो की जानकारी आपको मिलता रहे। धन्यवाद।